जलपरी एक ऐसा जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का और निचला भाग मछली जैसा होता है। आइए पहले रूबरू होते हैं इनके बारे में प्रचलित कुछ दंत कथाओं से जो इनके वजूद की पुष्टि करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलपरियां सुरीली धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। उनकी मधुर ध्वनि को सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते हैं। कई बार पूरा का पूरा जहाज ही समुद्र में समा जाता है। कुछ ऐसी कहानियां भी प्रचलित हैं जिसमें जलपरियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान ले लेती हैं, क्योंकि वे ऐसा प्रयास करने के दौरान ये भूल जाती हैं कि मनुष्य पानी के भीतर सांस लेने में असमर्थ होते हैं। यदि हिंदू पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो इनका जिक्र हमें महाभारत और भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों में देखने को मिलता है। थाई व कंबोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी सुवर्णमच्छा का उल्लेख मिलता है, जो कि सोने की जलपरी थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उलूपी का भी जिक्र कई जगह जलपरी के रूप में किया गया है। वह एक नाग कन्या थी जो पानी में रहती थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख भी देखने को आता है, जिनके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला हिस्सा मछली जैसा था। असारिया में 1000 ईसा पूर्व मिली जलपरियों की कहानियों के बारे में कहा जाता है कि जलपरियों की पहली कहानी है। असारियन की रानी देवी अटारगेटिस जो सोमिरमिस की माँ थी, एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर न चाहते हुए भी उसे अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से वह इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया और इस कारण उसका आधा शरीर पहले जैसा ही रह गया, जबकि शरीर के नीचे का हिस्सा मछली की तरह हो गया। ग्रीक कहानियों में अटारगेटिस को डेरकोटो भी माना जाता है। एक मशहूर ग्रीक कथा के अनुसार अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन थिसाल यानी मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। जलपरी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद वह काफी समय तक जीवित रही और जब भी कभी इसके इलाके से होकर कोई जहाज गुजरता तो हर नाविक से एक ही सवाल पूछती थी, क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है? इसका सही जवाब था हाँ, वह जीवित है और विश्व पर राज करता है। यह सुनने के बाद वह बेहद खुश हो जाती और जहाज को जाने का रास्ता देती थी, लेकिन यदि कोई उसके अनुसार जवाब नहीं देता तो वह उस जहाज को उसके सवार सहित समुद्र में डुबो देती। अरेबियन नाइट्स या 1001 रात की कहानियों पर आधारित है। इसमें कुछ कहानियों में जलमानवों और जलपरियों का भी जिक्र देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, एक जलमानव की कहानी के अनुसार इसके दो बच्चे इंसान के साथ मिलन से हुए थे। वह इतने काबिल होते हैं कि बिना किसी दिक्कत के पानी में आसानी से रह सकते हैं। इसी प्रकार एक श्रृंखला में कहानी अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मैमन है। इसका मुख्य किरदार अब्दुल्ला को पानी में सांस लेने की काबिलियत मिल जाती है और वह तैरकर पानी की भीतरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां धन की कोई कमी नहीं होती। अन्य अरेबियन नाइट्स की कहानियों में ऐसी कई सभ्यताओं का जिक्र है जो तकनीकी रूप से काफी उन्नत थी, परंतु उनके मतभेदों के चलते हुए ध्वस्त हो गई। इसी प्रकार अगर हम चीनी कथाओं पर नजर डालें तो पुरानी चीनी दंत कथाओं में जलपरियां एक बेहद खास जीव हुआ करती थी, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते हैं, जिस कारण मछुआरों ने पकड़ने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन वह इतनी सुरीली थी कि वह अपने गाने से मंत्रमुग्ध कर मछुआरों को पानी के भीतर खींच लिया करती थी। अगर हम आए दिन समाचारों और सोशल मीडिया पर नजर डालें तो जलपरियों को देखे जाने के दावे समय समय पर किए जाते रहे हैं। ऐसा दावा करने वालों में जावा, पाकिस्तान, ब्रिटिश कोलंबिया और दो कैनेडियाई घटनाओं का तो शुमार किया जाता है, जो बैकूर और विक्टोरिया के नजदीकी इलाकों में हुई थी। हाल फिलहाल में भारत के पोरबंदर के पास माधोपुरा गांव के पास समुद्र तट पर एक जलपरी मृत अवस्था में मिलने की खबरें सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई थी। घटनाएं काफी हुई हैं, लेकिन इन सभी में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। अगर हम वैज्ञानिक व विशेषज्ञों की दृष्टि से देखें तो मरमेड या जलपरी जैसी किसी भी जीव का कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ मनुष्य द्वारा की गई एक कोरी कल्पना है। मनुष्य की यह फितरत होती है जब तक वह अपनी आंखों से कोई चीज देख न ले तब तक उसके न होने को लेकर उसके मन में असमंजस ही रहता है, और यदि जलपरी का वाकई में कोई वजूद है तो वह एक न एक दिन हमारे सामने जरूर आएगी। इसके बारे में आपका क्या कहना हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।